लिविंग रिलेशन च रह रहे एक नौजवान का पेतपरे हालात के मौत होने का मामला सामने आया है, जिथे एक महिला मित्र के नाल जो व्यक्ति रह रहा है तो उस तो बाद उसकी अचानक जी है मौत हो जाती है। तो उस तो बाद बहुत सारे सवाल खड़े होंगे ने, तो हूँ उसकी पहली पत्नी सामने आई है तो उन्होंने वालों जो है सवाल किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से भी सवाल चुके जा रहे हैं कि आखिरकार कार्रवाई के नाते ही इन्नी ढिलमठ क्यों। तो यह परिवारक मैंबर इस वेले अमृतसर के थाना सदर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े ने। तो सदर पुलिस स्टेशन भी तुम्हें दिखा रहे हैं कि सदर पुलिस स्टेशन के बाहर इंसाफ की गुहार लगाने वास्ते खड़े ने कि आखिरकार क्यों उन्होंने जी नूं इस दुनिया तो जाना पिया, आखिरकार की ऐसे कारण रहे जिस करके वो मौत का शिकार होए। तो साडे उन्हां दी पत्नी मौजूद ने, की होया मैडम? 7 साल हो गए सी, मतलब अफेयर चलन डे सी बाहर। हाँ जी, मतलब बाहर दी गलबात चलन डी सी जनानी नाल। अच्छा जी। ते 10 दिन होए सी, मतलब घर आ गए सी। ते कल ही सी उन्हें परसों ना आए, मतलब इस नानी का फोन आया मेरे घर वाले नूं, ते उन्हें सद्दे अपने घर। ते मैनूं इस गल का नहीं पता सी इन्हें, मतलब इन्हां नाल इहदा कुछ खवा के कतल कर देना, तो वह कहती इन्हें सुसाइड किया। सुसाइड किस तरह कर सकता है? पर तुहानू पता सी कि लिविंग रिलेशन च रह रहे उन्होंने नाल जिहड़ी हैगी महिला दे नाल? हाँ जी, हाँ जी पता सी। तो तुसी रोकिया नहीं कभी? रोकिया सी, बहुत बार रोकिया सी, पर उस जनानी ने बार बार फोन करके बुला लेंदी सी। हाँ जी। तो हुण की होया? उन्हें उस दिन, मतलब इन्हें रात शाम को सद्या, शाम को उन्होंने घर गए, रात को पता नहीं कि चाह पियाई, पता नहीं की देता चाह विच, ते उन्हें बेहोश करके कि उहदा साह कुटिया, की किया उहदे नाल, किस तरह का कतल किया, ये सानू नहीं पता। तो वह सानू कहिंदी आ इन्हें खुदकुशी की है। इस तरह कोई सही गलबात, खुदकुशी वाले ऐसी कोई गलबात नहीं उत्थे हैगी सी। हाँ, मैनू इंसाफ दिता, मैं चाहनी मैं सरकार वालों इंसाफ मिले, ये भी इंसाफ चाहती, कड़ी तो कड़ी सज़ा मिले उस औरत। बच्चे भी नहीं तुहाडे? हाँ जी, मेरी गुड़िया 6 साल की गुड़िया मेरी। हाँ जी। हाँ जी, रोक दी सी, वैसे छोटे बच्चे नूं किन्ना की पता होंदा, ते भी तुहानूं पता है। इस वेले परिवारक मैंबर इत्थे खड़े ने, तो उन्हां वल्लों इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। उन्हां दा कहना है कि कुछ दे के उसकी जीवन लीला समाप्त की गई है, ना कि इस तरह का कुछ है। की कहना चाहोगे तुसीं उन्हां नूं? पुलिस इत्थों दी साडी सुनवाई नहीं करन दी, धक्के मार मार के सानूं बाहर कढ़न दे आ, कहिंदे अहीं आपे जो मर्जी करांगे तुसीं जाओ, धक्के मार मार के सानूं कढ़न दे आ। इन्हां ने राती बीयरां पीतियां, इन्हां ने पैसा चढ़ाया जनानी ने, इहनूं कड़ी तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहीदी। मुंडे भी दो नाल रले होए दे। मुंडे नहीं सानू पता, दो इन्हें धमकियां लाइया ही सानू भी अहीं मरवा देना वा। नहीं पता ही नहीं कोई भी इन्हें इस तरह हो जाना वा, ये इहो जिहे काम च नहीं ही पैंदा। ये जनानी ने बंदे सद ले, इन्हें मैनूं पहलां ही कीता फोन। ये जनानी आंदी ही, ये आंदी मुंडे इहदे ते जट्टां दे कोड़ दे, हुण मैनूं नहीं जे पता किहड़ा मुंडा ही, मैं किहड़ी उहदे नाल रहिंदी हाँ, मैनूं कोई नहीं जे पता, मैनूं कोई नहीं मेरे पुत्त दा पता। इन्हें इहो मैनूं कहा ही, आंदी मुंडे कोड़ दे जट्टां दे इहदे ते, इहनूं पुछ लो किहड़े मुंडे कोड़ दे ने। अपने घर अपनी, मतलब अपने अपने घर क्यों जाता है? हाँ जी, क्यों जाता है? कि बड़ा पैसा खादा इन्हें, उन्हें बुला लिया के बड़ा घर समान वेखियो, तीन जाके फ्रिज अलमारी जो भी बड़ा, कोई किन्ने पैसे इदा ही, क्योंकि किन्नी बंदा जिहड़ा बंदा कमाई दिंदा होवे घरे, तो उन्हें कौन छड्डूगा? तो 10 दिन 15 दिन घर आ गए ही वापस, तो फिर पता नहीं क्यों सद्या या रात की गल हुई। बाकी परसों घर भी आए ही, अड्डे कोई इदा की गलबात नहीं, उन्होंने बंद की सुसाइड कर लैन गए। कोई यहोजा बंदा जो बंदा कहे कि मैं लाइफ कोई तरक्की करना चाहना गाँव, सुसाइड कर लूगा। ये मर्डर होया तो मर्डर किया जो कि अन्या भी वेखता कि मर्डर होया उ। वेख सकते हो कि वो कहा जा रहा है कि इस वेले मर्डर किया गया। तो फिलहाल पुलिस थाने विखे मौजूद हाँ, तो आओ जानने की कहना इस मामले पुलिस अधिकारियों का। यह मामला 23/9/22 का केवल सिंह नाँ का लड़का, केवल सिंह नाँ का जो आदमी है 40 साल उम्र वो अपने अपनी वाइफ ना झगड़ा झूड़ा रहिंदा सी, इत्थे रामनगर कलोनी 2 नंबर चो किराए ते रहिंदा सी। उहदे नाल एक लेडी शरणजीत कौर जिहड़ी कि उहदे नाल रिलेशन सी, उहदे नाल संबंध रखदा सी। ते वाचन तो पता गया भी लेडी जिहड़ी उहनूं
अपना फोन फान करती सी घर आती सी घर नहीं जाना जिस बंदी वो उन्हें उस तो मतलब कि जिस बंदी उन्हें फिर टेंशन च आके उन्हें फा लैके आत्महत्या कर बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी घर दूर घर बुला तो वो जी दूजी वो रह रहा है हाँ वो जान नहीं टेंशन हो गई हूँ जिदे करके उन्हें ये कदम चुकया कार्रवाई तो दसो छे का परचा देता जी तो जी लेडी है शरणजीत कौर वो मौके पर रिश्त पाली। तो तुम वेख्या कि पुलिस वालों कहा जा रहा कि परचा दर्ज किया गया है लेकिन वड्डा सवाल है कि इंसाफ वास्ते मंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत धारा के तहत परचा दर्ज किया गया है क्योंकि धारा होर सख्त चाहिए सी लेकिन सख्त धारा नहीं लाई गई कितने ना कितने उस महिला को फेवर की जा रही है जिस दे नाल केवल सिंह जरा है लिविंग रिलेशन च रह रहा है। कैमरामैन अजय सुमित खन्ना ग्रेट पंजाब टीवी अमृतसर।